कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए झारखंड सरकार 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लेकर 2 जनवरी के मध्यरात्रि तक धारा 144 खास करके वैसे क्षेत्रों में लागू कर दी गई है जहां नए वर्ष पे जश्न मनाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। इसी कड़ी में माथन डैम जहां 1 जनवरी को सैलानियों की भारी तादाद रहती थी वहां लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी, वही झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का साफ साफ असर माथन डैम में देखा गया जहां डैम पे घूमने वाले सैलानियों की तादाद काफी कम रही। सुरक्षा कर्मी सैलानियों को डैम की तरफ जाने से रोकते दिखे, खासकर जो सैलानी बंगाल से माथन डैम पे पिकनिक का आनंद उठाने आए थे उन्हें डैम पे तैनात झारखंड के सुरक्षा प्रहारियों ने झारखंड में प्रवेश करने से रोक दिया। सर इसको क्या कहा जाए, ये तो या कुदरत का मार है या मंत्री या नेताओं का मार है। जिस स्तर से ये कोरोना बढ़ रहा था इसमें तो छूट देना चाहिए था, क्योंकि इसमें ओमिक्रॉन का इतना असर नहीं था जितना कि आदमी को प्रॉब्लम हो सके। यहाँ हम दुकानदार भीड़ नहीं होने के कारण पूरी तरह से एकदम आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। हम लोग एक एक रुपया के मोहताज हो गए हैं। दुकान में लाखों रुपया का पूंजी लगाकर हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ बिक्री बटा है नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए हम गरीबों के लिए, ताकि कम से कम थोड़ा सा छूट दिया जाए, लोग आए जाए, कुछ खरीद बिक्री हम लोग का भी हो, हम लोग का जीवन पटरी पर चल सके। यहाँ 144 लगने से पूरा डैम खाली है। जितना लड़का यहाँ काम करता है सबका मन में निराशा है और सब अपना हाल में सब रो रहा है। इस तरह से अगर प्रशासन और सरकार फैसला लेगा तो कैसे होगा। जितना आशा साल भर से आदमी लगा के रखता है वो आज खत्म हो गया। परेशानी तो है जो बंगाल से लोग आ जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रशासन लगाए हुए हैं, बंगाल के लोग को बंगाल में ही रख रहे हैं। और झारखंड में जो लोग कुछ आ जाते हैं उनको कोविड टेस्ट लगाए हुए हैं, उसका व्यवस्था है ऊपर, और फिर वैक्सीन का भी उपलब्ध है। जो वैक्सीन जिसको नहीं ले गया है वो वैक्सीन भी लगा रहे हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं थोड़ा बहुत भीड़ है, सबको प्रशासन की मुस्तैदी से देखिए सबको एकदम ठीक है। सर इसको क्या कहा?